हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोंछा, और ये बच्चे घर पे हैं दोनों, तो वो बार बार है ना ये ब्लैंकेट को नीचे गिरा देते हैं, तो बस उसी को मैं प्रॉपर तरीके से बिछा रही हूँ। और ये करने के बाद फिर मुझे नहाने जाना था, क्योंकि मैं लेट नहा रही हूँ अभी कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं अगर जल्दी नहा लेती हूँ तो फिर मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं आजकल अभी बहुत लेट नहा रही हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती यहाँ की ठंडी। और उसके बाद मैं ब्लैंकेट वगैरह सुधार के आई, तो फिर किचन में गई, देखा तो ये मेथी पड़ी थी, मैंने कहा लाओ मैं इसे भी सही कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये रखी रखी ख़राब हो जाएगी। और मेथी साफ़ करने के बाद फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी, तो यहाँ मोलू भी मेरी हेल्प कर रहा है मेथी कटवाने में। हेल्प तो नहीं कर रहा है, बिगाड़ रहा है मेरे काम को। खैर, वो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज भी कुछ आपको दिखाना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे ठंड का मौसम है, यहाँ पर मानसून भी चल रहा है। तो ये देखिए बारिश, ये बारिश हो रही है, और इसी वजह से ना मैं आरू को जल्दी जल्दी से स्कूल से ले आई 10:30 बजे ही, क्योंकि एकदम से बारिश होने लगी तो डर लगता है ना कि अगर कहीं बढ़ गई तो फिर बच्चों को लेने कैसे जाएंगे। पूरा ये देखो भीग रहा है, सड़क पे भी दिख रहा होगा, यानी हल्की हल्की बूंदे स्टार्ट हो गई। मैंने कहा कि बढ़ जाए बारिश, उससे पहले मैं आरू को जाके ले आऊं। हाँ बोलो। हाँ बटन ये आई लड़की, एक मिनट मैं इसके पैंट का बटन लगा दूं। तो मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आरू मोलू को ना सॉक्स पहना कर रखा करो, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे सॉक्स नहीं पहनाती। देखो ये पहने है ना, ये पहन के रखे हैं मैंने, लेकिन उसकी मर्जी आएगी तब तक वो पहनता है, और नई मर्जी आती है तो फिर निकाल के फेंक देता है। फिर मैं कितना भी पहना लूँ तो नहीं पहनता, बच्चे जिद्दी होते ही है ना। कोशिश तो यही करती हूँ कि पहना के रखूँ। वैसे थैंक्स, आप बहुत केयर करते हो मोलू की। तो मैंने अभी कमेंट पढ़ा ना, मैंने कहा ऐसे रिप्लाई करने से बढ़िया मैं उन्हें बता दूँ नहीं पहनना। देखो फिर स्टार्ट कर दिया कि नहीं पहनना। बोलो आंटी ऐसे कहती हूँ मोलू बीमार हो जाएगा, पता हाँ। नहीं नहीं सॉक्स पहन के रहते हैं। और बाहर देखो पीछे ये सारी कितनी ये लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं, तो ये सब अब कुछ दिनों में यूज में आ जाएंगी ठंडियों में, क्योंकि चूल्हा जलेगा, यानी हाथ वगैरह तापने के लिए काम आएंगी। नहीं तो मम्मा ने भी पहने सॉक्स, देखो हाँ मम्मा ने पहने पहने। यहाँ पे मैं पिटाई लगा दूँ मोलू में, देखो ये हरकत होती है ना सॉक्स के पीछे, देखो अब उतारो ना मम्मा, बाप बाप ना ना ना। अरे अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे नहाना है, बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लेट नहाते हैं। तो मोलू को तो मैं नहीं नहलाने वाली आज भी, क्योंकि ऐसे मौसम में बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए। बस इसके गर्म पानी से हाथ मुँह धो दूंगी। हाँ हाँ तो चलो मैं थोड़ा अब काम वगैरह देखूँ कुछ। तो बस शावर ले लिया, उसके बाद सीधे मैं आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने। तो मैं अपने यानी लंच में बना रही हूँ, कुछ सब्जी ही नहीं थी घर में, मैंने देखा कुछ भी नहीं था। काफ़ी वेट किया कि हस्बैंड आ जाए तो वो टमाटर वगैरह ला दें, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने बेसन की सब्जी बना ली मीड़ा की, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं होता घर में तो यही मुझे एक बेटर लगता है सब्जी के लिए, और टेस्टी भी बनती है ये सब्जी और अच्छी भी लगती है। तो बस इसी को मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे। और मोलू मुझे परेशान कर रहा है, वो बनाने नहीं दे रहा। एक्चुअली वो फ़ोन के लिए बहुत रोता रहता है, आजकल बच्चों को बहुत बुरी लत लगी है। तो यहाँ सब्जी बन के मेरी रेडी हो गई है, तो मैं तो बच्चों को फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन इसके इनके पापा हैं ना वो फ़ोन दे देते हैं, तो इन दोनों को बहुत बुरी आदत हो रही है। लेकिन मैंने डांट दिया तो वो रोने लगा। और यहाँ पर मेरा अब खाना बन चुका, तो बस मैं खाने के लिए ही जा रही हूँ। और जब मैं ले रही थी ना तो प्लेट में थोड़ा सा गिर गया, आपको दिख भी रहा होगा। तो पहले मैंने इसे क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने रोटी रखी थाली में, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो फिर मैंने क्लीन कर दिया। तो सब्जी और रोटी यही है, और गजक थी खाने में, लेकिन वो मैंने खाने के बाद ली थी। तो मैं अभी खाना बना रही थी और अचानक से मैंने कही आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, तो देखा ना तो देखो बारिश बहुत तेज आई है, हाथों पे बूंदे आ रही है। देखो मैं वहाँ जाके दिखाऊँ आप लोगों के लिए, देखो मैं क्या क्या खतरे करती हूँ, दिख रही है बूंदे, बढ़िया वाली बारिश आई है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ठंड का मौसम है कि मानसून का, समझ नहीं आता। और बढ़िया रहा मैंने ना यहाँ 3 पे कपड़े सुखाए थे, मैं वो अंदर सुखाया ही नहीं तो सारे भीग जाते। बाबू बारिश आ रही है, अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना, कुछ है तो नहीं भीगने वाला। खैर यहाँ अभी कुछ तो है नहीं भीगने वाला, पेड़ों को ना थोड़ा यहाँ कर दो, बारिश में इनमें ना पानी लग जाएगा ऊपर वाले।
जाऊँ, जाना पड़ेगा यार। अब उनको रख रही हूँ, पाल रही हूँ, तो उनके लिए मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, ये भी मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे छे, देखो ये रे, ये मेरी छोटी छोटी सी बच्ची है। नहीं तो तुम कहो, मेरे बच्चे पड़ोसी हैं, तो मैंने कहा ये भी तो हैं, और इनको थोड़ा सा पानी लगेगा ना बारिश का, तो ये और अच्छे हो जाएंगे। अब आप छाते वाते नहीं निकालने हैं, ठीक है, हटो, सब रखे हैं अंदर, रखे रहने दो। चलो चलो चलो, ठंड पड़ रही है आज तो, सुबह से इतनी तेज ठंड है और अब ये बारिश और हो गई है। तो मैं बस खाने के लिए मैंने पहला कोरा तोड़ा है और वहां पे स्टार्ट। और ये लड़का तो मेरा फोन नहीं छोड़ता, बंद कर, म्यूजिक बंद कर दे बस एक सेकंड के लिए, तो एक मिनट बोलो, अभी नहीं चालू करना। तो ये मेरा खाना, ये रही सब्जी और ये रही रोटी, क्योंकि घर में आज सब्जी थी नहीं। अरे गेट खोलो पापा है, सब्जी थी नहीं तो मैंने यही बनाया। और हाँ, गजक रखी है तो वो मैं बाद में खाऊंगी, खाने के बाद, मीठा थोड़ा, अभी नहीं। तो चलो म्यूजिक स्टार्ट किया इसने। गुड इवनिंग। और मैं ना दोपहर में सो गई थी, और इसलिए सो गई थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, और मैं अगर नहीं लेटती तो मोलू भी नहीं लेटता, तो इस वजह से ना मैं मोलू को लेके लेट गई, और फिर उसके साथ साथ फिर मुझे भी नींद आ गई, हम दोनों सो गए। और मैं 5 बजे उठी, यानी प्रॉपर तरीके से नहीं सोई थी, सो जाती थी, जग जाती थी, वही औरतों वाली नींद, पल में सोना पल में उठना। तो लाइट क्यों इतनी कम आ रही है, बहुत कम लाइट आ रही है। तो बस अभी सो के तो मैं बहुत देर पहले उठ गई, और वीडियो भी अपलोड कर दी मैंने। तो अभी सोच रही हूँ मैं कॉफ़ी बना लूँ, और बेड मुझे सही करना है, अभी बालों में मुझे तेल डालना है, लेकिन एक तो इस ठंड की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा, इतनी ठंड बढ़ गई है ना, और आज जो बारिश हो गई ना, अब कल और भी ठंड हो जाएगी। कल कोहरा था लेकिन इतनी ठंड नहीं थी, और आज कोहरा नहीं था और इतनी भयंकर वाली ठंड पड़ी है ना सुबह से कि मैं बता नहीं सकती, हद बिना की ठंडी है। और मैंने एक स्वेटर पहन रखा था ना, तो इसकी ये बाहें भीग गई थी, मैंने मोड़ के रखी है ना, ये बर्तन मांजते समय ना भीग गई थी, तो इतनी कपकपी, इतनी ठंडी लग रही थी ना मुझे। तो फिर मैं मोलू को लेके सो ही गई, इसलिए मेरा जो ना व्लॉग ढंग से नहीं बन पाया। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा माइंड को और बॉडी को रिलैक्स भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं मशीन की तरह लगी रहती हूँ, मुझे लगता है कि वाकई मेरे माइंड को ना आराम नहीं मिलता। तो सोई, लेकिन मैं जब भी सो के उठती हूँ तो मेरे सर में ना हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, क्योंकि मुझे सोने की आदत नहीं है दिन में, और नाइट में भी नींद नहीं आती अभी, क्योंकि मोलू के पैर में दर्द होता है, तो वो मम्मी मम्मी पूरी रात वो करता ही रहता है, क्योंकि वो करवट ले नहीं पाता, इधर उधर थोड़ा सा भी होता है तो फिर होता है, तो रात को भी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है। तो अभी भी मुझे आलस आ रहा है, जबकि मैं 5 बजे की उठी और अभी 7:45 हो गए, बैठी बैठी बस वीडियो अपलोड की मैंने, और वीडियो में भी 1 घंटा तो लग ही जाता है सब चीज में। तो चलिए अब कॉफी बनाते हैं, देखे किचन में क्या है, क्योंकि खाना तो मना कर गए। अब मेरे घर में यही है, मैं ना सुबह मैंने सब्जी बना ली ना, तो वो सब्जी अभी तक पड़ी है, तो अब वो बोल रहे हैं कि मत बना, ये नहीं तो ये सारी सब्जी फिक जाएगी। तो मैं सोच रही थी हरे धनिया लाए हैं, तो मैं चटनी बना लेती हूँ, चटनी हो जाएगी हाथ वाली, हाथों की रोटी बनाने की कह गए, बोले आज हाथों की रोटियां बना दे, बाजरे का आटा है नहीं तो मैं बाजरे की रोटी बनाती। अब मुझे बाजरा भी पिसवाना पड़ेगा गाँव से लाके, मेरे बाजरे का जो कट्टा है ना वो गाँव में रखा है, तो हाथ वाली रोटी बना दूंगी। और पहले मैं बनाती हूँ कॉफी, और बालों में देखो शाइनिंग कितनी अच्छी है, ये है नींबू का कमाल, कंडीशनर मेरा इतना नेचुरल कंडीशनर होता है, इनकी शाइनिंग देखिए नहीं, क्योंकि मुझे केयर करने मिलती नहीं है, और अगर मैं ये चीजें ना करूँ तो फिर मैं कैसे मैनेज करूंगी अपनी बॉडी को, अपने हेयर को। तो बस जब मैं बाल धोती हूँ ना, तो बाल्टी में 1 नींबू डाल लेती हूँ पानी, और उस पानी से अपने बालों को धो लेती हूँ, यानी शैम्पू वगैरह सब करती हूँ जैसे नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन पानी है ना वो नींबू वाला कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे बाल है ना बढ़िया। तो चलिए कॉफी बनाते हैं। और मोलू चला गया अपने पापा के साथ, दरवाजे देखो कैसे खोल के गए हैं यहाँ से वहां तक, चाहे शाम का समय है कोई भी घुस जाए घर में, लेकिन ये लोग है ना, मम्मी बाहर तो फ्रिज खोल दिया किसी ने, इतनी ठंडक है, भयंकर वाली ठंड है सच में। और मैं ऊपर कपड़े सुखा के तो आई हूँ, लेकिन वो कपड़े सूखेंगे कम और सील ज्यादा जाएंगे,
पर यहाँ नीचे कहाँ जगह है, फिर आप लोग भी कहोगे कि दीदी आपका घर क्यों इतना फैल गया है। अब विंटर में ना ऐसा ही हो जाता है, तो मैं ना ये सोच रही हूँ कि जो कपड़े सुखाने का स्टैंड आता है ना, मैं लास्ट ईयर लैब में लेने भी गई थी तो उन्होंने मुझे कितना 2200 का बताया था, बिग बाजार में मैंने वहां देखा था, आई थिंक विशाल में, तो 2200 का था कि ऐसा ही कुछ था। तो मैंने सोचा कि तो महंगा है, फिर मैंने कहा कि चलो देखेंगे आगे चल के, अभी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ मुझे लाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ लेके आऊँ और इस जगह पे ना यहाँ गैलरी में रख दिया करूंगी, तो उससे ना मेरे कपड़े भी सूख जाया करेंगे और घर फैलेगा भी नहीं। वरना फिर पता है क्या होता है, कभी इस दरवाजे के, कभी सोफे पे, कभी उधर, यहाँ इस तरह से ना मुझे कपड़े सुखाने पड़ते हैं, और बाय चांस कोई आ जाए। वैसे भी देखो मेरे घर में रोज अब तो कोई ना कोई आता ही है, क्योंकि आप आते ही हो, कोई ना कोई नए सब्सक्राइबर आते ही हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना कि घर ऐसे बिखरा हो, फिर आप लोग देखोगे तो इमेज मेरी डाउन होगी। तो चलिए मैं लेके आऊंगी स्टैंड, और 7:45 हो गए, लाऊंगी, अभी नहीं ला रही, अभी तो थोड़ा ना पति देव को चाबी ढूंढनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, बोलते हैं खर्चे पे खर्चा करवाती है, कोई आया घर पे। तो बस यहाँ शाम को जय लेके आए थे दूध, तो अभी मैं दूध रखने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि दीदी आप दूध किस तरह से गर्म करती हो, मलाई किस तरह से बनाती हो दूध में। तो बस दूध को मैं गर्म करने रख दूंगी अभी एकदम धीमी आंच में, और दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद बंद कर देती हूँ और एक स्टील की जाली ढक देती हूँ, जो कि यानी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी उसमें से भाप आराम से निकल सकती है, जो जाली वाली होती है ना वो रखती हूँ। अगर ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए दूध को खुला रख दें, पर थाली वगैरह ना ढाँके, अगर थाली ढाँक देंगे तो फिर मलाई अच्छे से नहीं आएगी। तो बस दूध गर्म करने रख दिया मैंने, और अब मैं इसको धीमी आंच में काफ़ी देर तक होने दूंगी, जब तक कि इसमें काफ़ी अच्छा बॉईल आ जाए। और दूध में बॉईल लाना भी बहुत ज़रूरी होता है मलाई के लिए, ऐसा नहीं है कि बस एक उफान आ जाए उसके बाद आप उसको बंद कर दो, तो बॉईल आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं एक गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि भैंस का दूध बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा आता है, तो उसे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है एक्चुअली, तो बस उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पानी डालते ही हैं, सभी डालते हैं। और बस अब मैं धीमी आंच में दूध को रख दूंगी बनने के लिए, और मैं मलाई लेके आने वाली हूँ जो कि कल के दूध की है, तो मैं एक दिन बाद मलाई उतारती हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया सी रोटी जैसी मलाई उतरती है। और मेरे वहाँ पर 1.5 किलो दूध आता है, और 1.5 महीने में 2.5 किलो जैसा कम से कम घी निकल आता है हमारे वहाँ, तो इस चीज़ का बेनिफिट बहुत है मुझे यहाँ पर। तो बस ये आप देख सकते हैं मलाई, अभी मेरी 1 महीने की मलाई भी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चटनी, तो चटनी के लिए मैं हरे धना और टमाटर की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं और कुछ हरी मिर्च वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत तीखी आ रही है हरी मिर्च और हम लोग इतना तीखा नहीं खा पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, और अब मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा, और मैं नमक डाल चुकी हूँ स्वाद अनुसार, और अगर पालक होते तो मैं पालक भी डाल देती, बट पालक अभी था नहीं, तो मैं इसे अभी पीस के रख रही हूँ, बाद में मैं इसमें तड़का लगा लूँगी, तो फिर तड़के वाली चटनी हो जाएगी ये। और उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया, बर्तन को भी धो रही हूँ, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे उनको धो के रख रही हूँ, ताकि फिर शाम का काम ना बढ़े। और बस आज का व्लॉग यहीं तक है, क्योंकि बाद में ना बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सॉरी डियर, गलती हो गई, क्या करूँ, फ़ोन मैंने देखा ही नहीं था, वो डिस्चार्ज हो गया था।